हेलो एवरीबॉडी एवं नमस्कार। आज अनुचिंता अध्याय को आपण स्वागत। चलंतु आज आम गोटे गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता जहाँकि आपण किभली चक्षुर आराम एवं विश्राम करिवे एवं चक्षु भल रखापी किभली क्यों प्रकार व्यायाम करिवे से उपरे आलोचना करिवा। आपण माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, भल लगे लाइक एवं सांग सहित तो शेयर करूँ। आम चैनल टी सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं, तले दिया था नोटिफिकेशन बेल को हिट करिवे ताकि लेटेस्ट अपलोड विषय आप जापर। आपण चक्षु बा आई को किभली विश्राम बा आराम देवे, प्रथमतः तो आपण चेयर बा स्टूल उपरे बसी दुई हाथ पापुली दे दुई चक्षु को ढांकंतु। चक्षु दुईटी आपण को बंद रखा पड़ो, सुविधापी आपण कहुणी आंठू उपर रखिपारे, किंतु मन रखिए हाथ पापुली चक्षु मझी जेपरी निछिंद्र अंधकार रहे एवं द्वितीय तो पापुली चाप जेपरी चक्षु उपर न पड़े। एथर किसी समय चुपचाप बसी जातु, मनरे कौन सी चिंता न आसले भल। चक्षु को विश्राम देवारे यह अत्यंत सहज एवं चमत्कार पद्धति। द्वितीय उपायटी है आपण दुईटी पाद एक फुट तफातरे रखी पूरा शरीर बाम दिगकु एवं पुणि थरे डाहाण दिगकु घड़ीर पेंडुलम परी धीरे धीरे दोहलांतु। दोहलिया समय केते सेकंड चक्षु बंद करी दोहलिबे, पुणि केते सेकंड चक्षु खुला रखी दोहलिबे। चक्षुर विश्राम पाई एही दोलना खूब भल। तृतीय उपायटी है आपण मझीरे मझीरे हल्का एवं सहज भाव चक्षुर पता खोलंतु एवं बंद करंतु बा ब्लिंकिंग करंतु, यहा द्वारा क्लांत चक्षु विश्राम पाई थाए। चतुर्थतः है आपण चक्षु क्लांत लागिले दुई हाथर पापुली जोर घसी एवं पापुली गरम हो गले आपण दुई चक्षु उपरे चाप दियंतु, पापुली जेपरी चक्षुर पता स्पर्श न करे अथच पापुलीर उष्म भावटा जेपरी अनुभव करिपारंति। पंचमतः दिनरे बेस केते थ थंडा परिश्रुत जलरे आखि को पानी छाटिबा खूब भल। प्रत्येक थर पानी छाटिया समय बार बार केते थर दियंतु। रात्रिरे सोया समय विशेष करि बाहर घर को फेरी खूब भल भाबे चक्षु धोई नेबा उचित, या द्वारा आपणकर चक्षु रो विश्राम मिलता है आराम मिलता है आपन को। चलते आम आपण चक्षु भल रखापी चाहूल केतोटी व्यायाम कले आपण चक्षु बा आई साइड सब भल दृष्टिशक्ति सहित आपण को चश्मा लगे न पड़पे। प्रथम चित्र अनुसार आप देखु मुह सीधा रखु, बेक शक्त कर रखिबे नहीं, चक्षु खोला रखी एक बार ऊपर पुणी तलकु चक्षु उपरे जोर न देकि आपण तलकु छ थर चाहन्तु। खूब द्रुत बा खूब मंथर करिबे नहीं, छ थर करिया परे दुई तीन सेकंड चक्षु बंद रखी पूर्वपरी चक्षु उठान्तु एवं पकान्तु। द्वितीय एक्सरसाइज पई आपण मुंड और बेक पूर्वपरी रखी चक्षु तल ऊपर एवं परे ऊपर तल को रोटेट करंतु। पांच थर एपरी करी बा छ थर एभली करी आपण चक्षु बंद करी किछि सेकंड विश्राम नियंतु। तृतीय एक्सरसाइज टी है मुंड और बेक पूर्वपरी रखी एथर आपण गोटे थर लेफ्ट साइड एवं गोटे थर डाहाण बा राइट साइड को देखंतु, छ थर एभली करंतु दुई तीन सेकंड चक्षु बंद रखंतु पुणी लेफ्ट एवं राइट साइड को देखंतु। चतुर्थ एक्सरसाइज टी है आपण लेफ्ट बा राइट साइड रो तर्जनी चक्षुर सीधा सीधी आठ इंच दूर से रखंतु, एथर तर्जनी आड़ को लक्ष्य करंतु। पर मुहूर्त दृष्टि हटाई दस फुट बा ताठारु अधिक दूर कौन सी जिनस को परे
दृष्टि दिंतु पुणी तर्जनी आड़क लक्ष्य करूँ। यहपर भाव दस थर करवा दु तीन सेकेंड आखि बंद कर पुणी से भली करूँ। यही व्यायाम टी बेस द्रुत करने को हेबो। दिन को तीन चार थर यहपर करूँ। पंचम एक्सरसाइज टी है गला शक्त नक आपण सामना को बंके करी चिबुकटी बक्षर लगे चेष्टा करूँ। एथर चिबुक उठाई जितेटा पारती बेक को पछआड़ को नहीं जातु। आपण बेसी व्यस्त बा हड़बड़ भाव करेंगे ना पाँच रु दस थर व्यायाम टी करूँ। षष्ठ एक्सरसाइज टी है आपण बेक सीधा करूँ। एथर बेक को थरे लेफ्ट साइड एवं आउ गोटे थर राइट साइड को घुरांतु। गोटे पाख को पांच थर कर दुई पाख दस थर करूँ। आपण बेसी स्पीड द्रुतरे करेंगे ना। सप्तम एक्सरसाइज टी है आपण बेक को शक्त कर नरखि मुंड को तल ऊपर को एवं ऊपर तल को करूँ पांच थर लेखे दस थर यह करूँ। यहाँ आपण देखिए आपण आखि केते आराम लगुची एवं सतेज लगुची। आजपाई अनुचिंता ये रखुचु। आपण दिनटी शुभ एवं सुखमय हो। बाय फ्रेंड्स।